डीटीएस एंड टीवी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में साउंड में लगने वाली जैक पिन है, जैक टू जैक जिसको बनाएंगे। साथ में ये हमारा नया सेट जो पिनों का सेट है, इसको यूज करने में थोड़ी आसानी रहती है। अगर सही तरीके से नहीं बनेगी तो आपको साउंड के अंदर हमिंग आएगा। अगर आप पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पर क्लिक जरूर करें। साथ ही आज हम जैक से जैक इसकी ये मैंडेट बनाएंगे। इसको एक बार खोल देते हैं। जो एम्पलीफायर का काम करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। जैक से जैक दूसरे मशीन से जो एम्पलीफायर की मशीन होती है उसको एक दूसरे कनेक्ट करने के लिए इसका काम में लिया जाता है। एक बार इसको निकाल देता हूँ। आपको यहाँ से पिन से आपको यहाँ से निकाल देना है, आराम से निकल जाएगा। सभी वायरों को ये अलग कर देना है, आपको वायर सब अलग कर देना है और ये कॉटन का धागा है उसको अलग कर देना है। हमारे साथ बने रहे, साथ में वीडियो को पूरा देखें ताकि सही से आपको जानकारी मिल पाएगी। ये वापस कैप के अंदर ये लगा देना है आपको। ये मोनो पिन है, स्टूडियो नहीं है, इसके लिए हम सिंगल यूज करेंगे। ये ऑक्स केबल के लिए काम में आती है। एम्पलीफायर और मिक्सर के अंदर लगाने के लिए एक्स्ट्रा क्या के आउटपुट देने या इनपुट करने के लिए ये थोड़ा इजी रहता है। जो साउंड का काम करते हैं उनको लिए बेस्ट है ये। सही तरीके से बनाओगे तो इसमें हमिंग नहीं आएगी, नहीं तो आपको हमिंग की प्रॉब्लम होगी। साथ में कहीं भी साथ में कोई वायर का टचिंग नहीं आए, इस बात का ध्यान रखें। और बीच में ये कैप इसलिए लगाई कि ताकि ये बीच में कहीं से भी, क्योंकि उसको लाने ले जाने में प्रॉब्लम होती है, तब कहीं जॉइंट नहीं होए। फिर कभी बाहर जाओगे कार्यक्रम में तो उस टाइम में ये प्रॉब्लम करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसके लिए इस बात का ध्यान रखें आप। एक बार सॉल्डिंग कर लेते हैं पहले इसको। सॉल्डिंग भी ज़्यादा हीट नहीं दे, नहीं तो क्योंकि कैप पीवीसी की बनी आती है ख़राब हो जाती है, इस बात का भी ध्यान रखें आप। ये मोनो पिन है। इस जो केबल है उसमें तीन वायर है, एक ग्राउंड है, दो है। अगर आप इसमें से एक वायर ग्राउंड भी कर सकते हो तो जैसे आप डिजाइन करोगे उसके हिसाब से, क्योंकि मोनो ही है तो इसके लिए दो ग्राउंड है, या फिर एक वाइट वायर ग्राउंड के साथ में अटैच कर सकते हो। तो दोनों साइड में आपको वाइट ग्राउंड करना पड़ेगा। ये ग्राउंड का साथ में ये सही तरीके से सोल्डिंग हो। ज़्यादा गर्म होगा तो पिन ख़राब हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। एक्स्ट्रा वायर को काटना है आपको ताकि फिटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कि इसके ऊपर कैप लगानी पड़ेगी, कैप के साथ में वापस फिट होगा, इस बात का ध्यान रखें आप। ये कैप आसानी से लग गई। ये थोड़ा इजी है, ये आपको वापस सेम टू सेम आपको प्रोसीजर करना है। आपको ये जो केबल के ऊपर नेट लगी हुई है उसको अलग कर दे, साथ में धागे को भी काट दे। वायरों को धागे से अलग कर दे, वायर जितने भी कॉपर के वायर लगे हुए हैं धागे से अलग कर दे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इसके साथ में कहीं दूसरी जगह कहीं भी टच नहीं आए, टचिंग आएगी तो आपको केबल के अंदर प्रॉब्लम आएगी।
फिर साउंड सिस्टम के अंदर बहुत सारी ये परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि उसके अंदर केबल बहुत ज़्यादा लगती है, तो कौन सी केबल ख़राब है इसमें फिर टेंशन वाली बात है। इसके लिए आप पहले से ही केबल का पूरा ध्यान रखें। अगर कहीं भी आपकी केबल को प्रॉब्लम है तो साउंड ऑपरेटर को उस केबल को अलग कर देना चाहिए, बाद में देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी साउंड ऑपरेटर को समस्या का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा हमिंग का प्रॉब्लम होता है, ये केबल की साइड आपकी छोटी सी गलती के कारण से ये हमिंग इसमें प्रोसीजर हो जाती है, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम करती है। जब फील्ड में आप काम करोगे उस टाइम में ये प्रॉब्लम आएगी, तब समस्या होती है, आप इसको हल्के में नहीं ले। एक्स्ट्रा वायर को कटिंग कर लेना है आपको, वापस इसके ऊपर कैप लगा देना है। ये मिक्सर के अंदर और एम्पलीफायर के अंदर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मशीन है जो 25 वोल्ट की है, 75 वोल्ट की है, उसके अंदर भी लगती हैं, जो ज़्यादा कनेक्शन करने के लिए एक्स्ट्रा साउंड लगाते हैं उनके लिए ज़रूरी पिन है। जैक टू जैक इसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा जैक टू जैक पिन। शॉर्टिंग कर देना वापस, जैसे आपने पहले किया था वैसे ही आपको करना है, प्रोसीजर सेम है, इसमें कोई अलग से नहीं है। फिटिंग कर लेना आराम से इसको, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्त नहीं करें, नहीं तो प्लास्टिक की आती है टूट जाएगी आपकी। और जब भी पिन लो तब आपको हाई क्वालिटी की लेनी है, नॉर्मल नहीं लेना है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। नहीं तो ये लूज होती है तो उस टाइम भी हमिंग का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जहाँ एम्पलीफायर जितने भी होती है उसके सेम साइज ओरिजिनल ले। ये हमारा सेट कंप्लीट है, 5 सेट हमने कंप्लीट किया था। ऐसा तो बहुत सारे सेट लगाए, ये साउंड ऑपरेटर का है सब, ये पूरा कंप्लीट हो गया। 5 फीट की है लंबी केबल। आप इतने टाइम हमारे साथ बने रहे इसके लिए आपको धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन करें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। पुनः आपको धन्यवाद।